देश भर में मानसून छा जाने के बाद अब अगले एक हफ्ते तक उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पूरे उत्तर भारत में 18 से 21 जुलाई तक भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में यह हालात 23 जुलाई तक जारी रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आगे भी भारी बारिश जारी रहेगी। मुंबई में भारी बारिश के बाद चेंबूर और विक्रोली में लैंडस्लाइड में 22 लोगों की मौत हो गई। यहां 5 मकान भी ढह गए। वहीं दिल्ली में भी कई इलाकों में सोमवार को जमकर बारिश हुई। लंबे समय बाद हुई झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। उधर उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी 18 से 21 जुलाई तक जबरदस्त बारिश होगी। इसके बाद इन क्षेत्रों में बारिश घटने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी और दक्षिण भारत में भी भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 5-6 दिनों के दौरान पश्चिमी तट और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होगी। IIMD ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि इससे बाहर रहने वाले लोग और जानवर हताहत हो सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान राज्यों में बारिश का अलर्ट। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के साथ एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, शेष उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के कुछ हिस्सों, केरल, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और लद्दाख में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट। यूपी के 32 जिलों में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यहां के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, मिर्जापुर और प्रयागराज शामिल हैं। यहां 87 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बिजली गिर सकती है। उत्तराखंड के 17 जिलों में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया। इसमें उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ शामिल है। आगे आने वाले 2-3 दिन में बाढ़ और लैंडस्लाइड की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में मौसम विभाग ने भारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार सुबह तब रीवा, दमोह समेत 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और संभाग समेत 5 अन्य डिविजनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में अगले 3-4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जिसके मद्देनजर शनिवार को राज्य में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से हिमाचल प्रदेश में बारिश की गति बढ़ेगी और अगले 3-4 दिन में निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों में सामान्य से भारी बारिश होगी। बिहार में फिर सक्रिय हुआ मानसून। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। इसके चलते प्रदेश में कुछ जिलों में भारी तो कुछ जिलों में सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी एवं मधुबनी में भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में सामान्य बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में अगले 4 दिन हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के कई हिस्सों में 21 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान है। इनमें जयपुर, भरतपुर, कोटा और पूर्वी राजस्थान के हिस्से शामिल हैं।
जयपुर और भरतपुर के इलाकों में 3 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। अगले 4 दिनों में बिजली गिरने जैसी घटनाओं की भी आशंका जताई गई है। उत्तर भारत में बारिश के लिए अहम रहेगा अगला एक हफ्ता। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद उत्तरी क्षेत्र सहित देश के कई हिस्सों में अगले 6-7 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली, UP, बिहार, राजस्थान,